धर्मनगरी हरिद्वार के ऋषिकुल में आज अंतरराष्ट्रीय मशरूम्स महोत्सव शुरू हुआ, जिसमें देश विदेश के मशरूम के बिजनेसमैन और वैज्ञानिकों ने भाग लिया। साथ ही उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और अनेक प्रदेशों से लोगों ने प्रतिभाग किया। वहीं इस महोत्सव का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया, जिसमें कई सारे अलग अलग प्रदेशों के स्टॉल लगाए गए और अलग अलग किस्मों के मशरूम के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। वहीं स्पीच निदेशक हरविंदर सिंह बावेजा ने बताया कि 18 से 20 अक्टूबर तक ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मशरूम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मशरूम की खेती कैसे की जाती है इसे विस्तृत रूप से बताएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस महोत्सव में मशरूम के क्षेत्र में सफल लोगों की कहानियां और कैसे लोगों को मशरूम से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सकता है इसके बारे में भी बताया जाएगा। हरिद्वार से संवाददाता सचिन तिवारी की रिपोर्ट। हमारे साथ हैं हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर बावेजा, डॉक्टर बावेजा सर। सर, जो ये आज मशरूम का लगा हुआ है, जो क्या कहेंगे, कितना सक्सेसफुल हो गया? ये हम जो इस बार उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम जो है इंटरनेशनल मशरूम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि देश विदेश से जो है सारे के सारे को फार्मर्स, वैज्ञानिक, एंटरप्रेन्योर्स, इवन जो किचन का भी आप देख रहे हैं कैसे हाउ टू प्रिपेयर जो है वो मशरूम्स की अलग अलग डिशेस कैसे बनती है, 200 किस्म की मशरूम डिशेस कैसे बन रही है उसके बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। इनफैक्ट आने वाले समय में ये जो है जो मशरूम फेयर की या फेस्टिवल की बात करें हम इंटरनेशनल, आने वाले समय में जो है ये मील का पत्थर साबित होगा। हमारे नौजवान जो बेरोजगार भाई हैं उनके लिए जो है आने वाले समय में एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। हमने जो इस स्लोगन रखा हुआ है, हमने स्लोगन ये रखा हुआ है कि मशरूम हर द्वार, मतलब एवरी डोर जो है वो मशरूम पहुँचाया जाएगा। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बताई जा रही है, अभी कितना ज़बरदस्त न्यूट्रिटिव वैल्यू है। जो लोग वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन के लिए इससे बढ़िया फूड मेरे को नहीं लगता कोई हो सकता है। सो कई और भी भ्रांतियाँ हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि मशरूम में जो है स्मेल आती है। सो सारे के सारे टेक्निकल सेशंस हमने लगाए हुए हैं और टेक्निकल सेशंस में जो है बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कल का जो टेक्निकल सेशन है, 19 तारीख का जो हमारा टेक्निकल सेशन है, वो सारा का सारा विदेशों के साथ जितने भी हमारे जो सीनियर साइंटिस्ट हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो उनके साथ जुड़ा हुआ है सारा का सारा। तो इसी ढंग से जो है हमारे देश में जितने भी अच्छे वैज्ञानिक हैं, जो काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो मशरूम में इस समय जिन्होंने महारत हासिल की हुई है, जैसे आप देखेंगे नीदरलैंड का एक आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रोजेक्ट, जो इंजीनियर्स हैं हमारे, 3 इंजीनियर्स हैं, उन्होंने मशरूम का नीदरलैंड का एक जो प्रोजेक्ट लगाया हुआ है बहुत ही वाइबल है, सारा का सारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी जो कोशिश है कि भी हमारे छोटे फार्मर्स भी हैं जो वो बड़े फार्मर्स के साथ मिले, हमने एक मशरूम परिवार बनाया है और मशरूम परिवार उत्तराखंड का जो है वो डेफिनेटली आने वाले समय में उत्तराखंड जो है हम कंट्री में लीड लेंगे। सर, मशरूम में काफ़ी अपॉर्चुनिटी हैं और काफ़ी लोग मशरूम के बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं, कितने तरह से मशरूम से लोग बिजनेस के तौर पे जुड़ सकते हैं? देखिए, हमारा एक प्रोजेक्ट चला हुआ भारत सरकार का, बहुत ही अच्छी स्कीम है PMFME, हमारा जो है क्रेडिट लिंक प्रोग्राम है और उसमें जो है 35% हम सब्सिडी देते हैं और ODOP में जो है वो हरिद्वार को चुना गया है। हरिद्वार जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो है आपका मशरूम के लिए चिन्हित किया गया है। सो आप देख रहे हैं कि सभी प्लेयर्स को बुलाया गया, आज एंटरप्रेन्योर्स भी बुलाए गए हैं, बैंकर्स भी बुलाए गए हैं भी, कैसे हमारे फार्मर्स को जो है इसका बेनिफिट मैक्सिमम मिल सकता है, कैसे ये वेंचर आ सकता है। सर, मशरूम में जो बिजनेस के तरीके हैं वो कितने तरह से हो सकता है? एक तो जैसे कि उसका उत्पादन करके, एक जो उत्पादन कर रहे हैं उसका पैकेजिंग करके उसको हम आगे एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए, जहाँ तक बिजनेस की बात की आपने, आप देखेंगे कि अभी तो ठीक है, हम फ्रेश मशरूम की बात करें, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो अभी एक मनमोहन भारद्वाज जी हैं वो बता रहे थे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा डिमांड है, मैं डिमांड ही कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, पूरी कर पा रहा हूँ। तो एक तो फ्रेश मशरूम की होगी जो हम बटर मशरूम की बात करते हैं, इसके अलावा आपने देखा होगा कि यहाँ पे लोग ढींगरी या पाउडर फॉर्म में, या आपने देखा होगा इवन कैप्सूल्स जो है वो कैप्सूल्स बना के चले हुए हैं, आपने देखा होगा कि अचार, कई किस्म की प्रोसेसिंग का एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है, जो हम बोलते हैं जी वेस्ट होने वाला है, तो अल्टीमेटली प्रोसेसिंग, क्योंकि पेरिशेबल क्रॉप्स हैं तो वो जो है वो हमारा जो है फूड प्रोसेसिंग में जो है इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो अलग अलग वेंचर्स हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जिससे हमारे किसान भाइयों को और ख़ासतौर से बेरोजगार जो हमारे नवयुवक है जो ट्राई कर रहे हैं कि हमारे को जॉब मिले, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से हो सकती है। सर, मशरूम जो है, मशरूम के बिजनेस में आने के लिए लगभग कितने पैसे की ज़रूरत होगी एक नए बंदे के लिए? देखिए, मैं हमारी कुछ स्कीम चली हुई है भारत सरकार की, एक MIDH की स्कीम है
जिसमें हम 40% सब्सिडी देते हैं, और स्टेट की स्कीम्स हैं जिसमें हम 50% सब्सिडी देते हैं, और इवन जो हमारा ये जो आज का प्रोग्राम जो चला हुआ है, जो अब 3 दिन लगातार प्रोग्राम चलेगा, हमने बड़े जो प्लेयर्स हैं उनसे बात की है, अभी हमारे जो छोटे किसान हैं उनको आप क्या सपोर्ट दे सकते हैं, जो गैप फिलिंग है वो रात हम उनसे करवाएंगे, और कंपोस्ट यहाँ तैयार हो रही है। तो मेरे को लगता है कि बड़े नॉमिनल अमाउंट से अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहे इसका, तो बहुत नॉमिनल अमाउंट पे जो है बिजनेस शुरू हो सकता है, और सरकार जो है इसकी मदद करने के लिए तैयार है। आपने देखा होगा कि कोऑपरेटिव, हमारी जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन्होंने जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन की स्कीम चलाई हुई है, तो इंटरेस्ट फ्री लोन एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। तो अभी हमारे सेक्रेटरी साहब थे हमारे साथ, तो वो कह रहे बिल्कुल मशरूम पे भी एप्लीकेबल है, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ पे एप्लीकेबल है। तो डेफिनेटली जो है बिल्कुल जो बेरोजगार हमारे युवक हैं जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा वेंचर होगा ये। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये मशरूम फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण है, इसको 3 दिन का इंटरनेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाया जा रहा है, और इससे पहले विभाग ने एप्पल को लेकर के इसी तरीके का फेस्टिवल का आयोजन किया था, वो देहरादून में हुआ था। और हरिद्वार में करने के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हरिद्वार के लिए मशरूम चुना गया है, और मुझे उम्मीद है कि PMFME के माध्यम से और उसके अलावा जो हमारे हॉर्टिकल्चर मिशन है उसके माध्यम से यहाँ मशरूम प्रोडक्शन को और बढ़ावा मिलेगा। और मशरूम एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसकी रेडीमेड मार्केट अवेलेबल है, ऐसा फ्रेश प्रोडक्ट भी, ऐसा प्रोसेस्ड प्रोडक्ट भी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं मशरूम उद्यम करने के लिए तैयार हो जाएं, आ जाएं। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें वैगरीज ऑफ मानसून से कोई प्रभावित नहीं होता, अदरवाइज़ तो ज़्यादातर खेती जो है मानसून के वैगरीज की वजह से कभी अच्छे कभी बुरे तरीके से प्रभावित होते हैं, इसमें उस तरीके की कोई रिस्क नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इन टेक्निकल सेशंस के बाद जो मशरूम उद्यम में लगे हुए लोग हैं उनको भी और प्रोत्साहन मिलेंगे, और उसके साथ साथ और अन्य लोग भी इस उद्यम के साथ जुड़ेंगे। इसके पीछे जो सबसे बड़ी सोच है वो सोच ये है कि मशरूम एक ऐसा उत्पाद है जिसके बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं और जिसमें कई क्वालिटीज़ भी हैं, वैराइटीज़ भी हैं, और ये ऐसा है कि हमारे पहाड़ों में जिस तरह से पलायन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, माइग्रेशन को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको तामझाम की आवश्यकता नहीं होती, आप खाली पड़े मकानों का भी उपयोग कर सकते हैं। जो हमारी पुरानी झोपड़ियाँ टूटी पड़ी हैं, जो 1008 गाँव हमारे यहाँ घोष विलेजेज हो गए हैं, उन गाँवों में भी उन मकानों का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि हमारा हिल्स का जो टेम्परेचर है वो मशरूम फ्रेंडली है। मैदानी क्षेत्रों में तो इसको कहीं ना कहीं उनको टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में तो पूरा का पूरा जो उनका टेम्परेचर है वो क्लाइमेट वहाँ का जो है वो मशरूम फ्रेंडली है। और आज की स्थिति में हम लोग बॉर्डर स्टेट हैं, और बॉर्डर स्टेट में जिस तरह से माइग्रेशन की गति बढ़ी है, आपने देखा कि 5 साल बाद जब नया परिसीमन हुआ तो पर्वतीय क्षेत्र में 6 MLA कम हो गए। ये सवाल MLA का नहीं है, प्लस ये कि अगर हमारे बॉर्डर्स खाली होंगे तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए सामरिक दृष्टि से भी बड़ा खतरनाक संकेत है। अगर आपको याद होगा कारगिल के अंदर जो पाकिस्तानी घुसपैठ हुई थी उसको एक चरवाहे ने पकड़ा था, लोकल चरवाहे ने, फौज उसको नहीं ट्रेस आउट कर पाई थी। तो ये लोकल लोग कहीं ना कहीं हमारे आर्मी के दूत हैं, जो आर्मी को समय समय पर खबर दिया करते हैं कि कहाँ कहाँ पर घुसपैठ हो रही है। क्योंकि अगर आज हमारे बॉर्डर खाली हो गए, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि हमारी सीमाएं दूसरे देशों से लगी हैं, और आजकल हमारे देश के चाइना संबंध बहुत अच्छे नहीं रह गए हैं, ऐसी स्थिति में माइग्रेशन को रोकना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और माइग्रेशन को रोकने के लिए आवश्यक है कि हम नौजवानों के खाली हाथों को काम दें, तो कम खर्चे में वो अपनी आजीविका चला सके, ग्रुप के माध्यम से वो अपने टर्नओवर को बढ़ा सके। इसके पीछे मेन मानसिकता ये है कि लोगों के अंदर मशरूम की जो तमाम वेराइटीज़ हैं, खासकर कैनेडोमा जो बहुत एक्सपेंसिव मशरूम है जिसकी कीमत भी मार्केट में 3,500 से 4,000 रुपये पर केजी है, ऐसे में जब लगेंगे तो मैं समझता हूँ इससे उनकी लाइवलीहुड के लिए जितनी उनको आवश्यकता है वो उनको प्राप्त होगा, और हमारे यहाँ माइग्रेशन में रुकेगा, और हम मशरूम में देश का, मैं समझता हूँ, देश को लीड करने वाली स्टेट बन सकते हैं। देश को लीड करने वाली स्टेट बन सकते का मतलब यही है कि मशरूम हब बन सकता है हमारा राज्य। आज भी हमारे यहाँ पे कुछ लोग, खासकर बुग्गावाला में मनमोहन भारद्वाज एंड कंपनी और तमाम लोग, आप देखिए मशरूम गर्ल के नाम से दिव्या रावत बड़ी फेमस है, तो हमारे पास ऐसे तमाम लोग हैं, ममता रावत यहाँ पर काम कर रही हैं, और तमाम लोग जिस तरह काम कर रहे हैं। अभी ये मुझे देहरादून में एक प्रेमनगर का समूह मिला जो लोग इसमा पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके उत्पादन में बहुत बड़ी संभावनाएँ हैं। तो इसीलिए हम इसको लेकर के
20,000 नौजवानों को मशरूम के से जोड़कर उनके लाइवलीहुड को किस तरह स्ट्रॉन्ग किया जा सके, इस एक बहुत जल्दी एक योजना लॉन्च भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना के नाम से। हमने ऑलरेडी लॉन्च भी हो गई है, लेकिन उसमें वित्तीय संसाधन जुटाए जा रहे हैं ताकि शीघ्र से शीघ्र हम इस राज्य में 20,000 नौजवानों को मशरूम की खेती से जोड़कर और जहाँ उनको रोज़गार देने का काम करें वहाँ दूसरी हो, ये सारे के सारे नौजवान हमारे एम्बेसडर बन करके आम नौजवान को जागरूक करने का काम करेंगे कि मशरूम में कम मेहनत में ज़्यादा पैसा निकल जाए। क्योंकि इसके पीछे जो सबसे बड़ी सोच है वो सोच ये है कि मशरूम एक ऐसा उत्पाद है जिसके बाय प्रोडक्ट्स भी बहुत हैं और जिसमें कई क्वालिटीज़ भी हैं, वैराइटीज़ भी हैं। और ये ऐसा है कि हमारे पहाड़ों में जिस तरह से पलायन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, माइग्रेशन को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको तामझाम की आवश्यकता नहीं होती। आप खाली पड़े मकानों का भी उपयोग कर सकते हैं, जो हमारी पुरानी झोपड़ियाँ टूटी पड़ी हैं, जो 1008 गाँव हमारे यहाँ घोष लेजेज हो गए हैं, उन गाँवों में भी उनका उन मकानों का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि हमारा हिल्स का जो टेम्परेचर है वो मशरूम फ्रेंडली है। मैदानी क्षेत्रों में तो इसको कहीं ना कहीं उनको टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में तो पूरा का पूरा जो उनका टेम्परेचर है वो क्लाइमेट वहाँ का जो है वो मशरूम फ्रेंडली है। और आज की स्थिति में हम लोग बॉर्डर स्टेट हैं और बॉर्डर स्टेट में जिस तरह से माइग्रेशन की गति बढ़ी है, आपने देखा कि 5 साल बाद जब नया परिसीमन हुआ तो पर्वतीय क्षेत्र में 6 MLA कम हो गए। ये सवाल MLA का नहीं है, प्लस ये कि अगर हमारे बॉर्डर्स खाली होंगे तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए सामरिक दृष्टि से भी बड़ा खतरनाक संकेत है। अगर आपको याद होगा कारगिल के अंदर जो पाकिस्तानी घुसपैठ हुई थी उसको एक चरवाहे ने पकड़ा था, लोकल चरवाहे ने, फौज उसको नहीं ट्रेस आउट कर पाई थी। तो ये लोकल लोग कहीं ना कहीं हमारी आर्मी के दूत हैं जो आर्मी को समय समय पर खबर दिया करते हैं कि कहाँ कहाँ पर घुसपैठ हो रही है। क्योंकि अगर आज हमारे बॉर्डर खाली हो गए, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि हमारी सीमाएं दूसरे देशों से लगी हैं और आजकल हमारे देश के चाइना संबंध बहुत अच्छे नहीं रह गए हैं, ऐसी स्थिति में माइग्रेशन को रोकना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और माइग्रेशन को रोकने के लिए आवश्यक है कि हम नौजवानों के खाली हाथों को काम दें तो कम खर्चे में वो अपनी आजीविका चला सके, ग्रुप के माध्यम से वो अपने टर्नओवर को बढ़ा सके। इसके पीछे मेन मानसिकता ये है कि लोगों के अंदर मशरूम की जो तमाम वेराइटीज़ हैं, खासकर कैनेडोमा जो बहुत एक्सपेंसिव मशरूम है जिसकी कीमत भी मार्केट में 3,500 से 4,000 रुपये पर केजी है, ऐसे में जब लगेंगे तो मैं समझता हूँ इससे उनकी लाइवलीहुड के लिए जितनी उनको आवश्यकता है वो उनको प्राप्त होगा और हमारे यहाँ माइग्रेशन भी रुकेगा और हम मशरूम में देश का, मैं समझता हूँ, देश को लीड करने वाली स्टेट बन सकते हैं। देश को लीड करने वाली स्टेट बन सकते का मतलब यही है कि मशरूम हब बन सकता है हमारा राज्य। आज भी हमारे यहाँ पे कुछ लोग, खासकर बुग्गावाला में मनमोहन भारद्वाज एंड कंपनी और तमाम लोग, आप देखिए मशरूम गर्ल के नाम से दिव्या रावत बड़ी फेमस है, तो हमारे पास ऐसे तमाम लोग हैं, ममता रावत यहाँ पर काम कर रही हैं और तमाम लोग जिस तरह काम कर रहे हैं। अभी ये मुझे देहरादून में एक प्रेमनगर का समूह मिला जो लोग इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके उत्पादन में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। तो इसीलिए हम इसको लेकर के 20,000 नौजवानों को मशरूम के से जोड़कर उनके लाइवलीहुड को किस तरह स्ट्रॉन्ग किया जा सके, इस एक बहुत जल्दी एक योजना लॉन्च भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना के नाम से। हमने ऑलरेडी लॉन्च भी हो गई है, लेकिन उसमें वित्तीय संसाधन जुटाए जा रहे हैं ताकि शीघ्र से शीघ्र हम इस राज्य में 20,000 नौजवानों को मशरूम की खेती से जोड़कर और जहाँ उनको रोज़गार देने का काम करें वहाँ दूसरी हो, ये सारे के सारे नौजवान हमारे एम्बेसडर बन करके आम नौजवान को जागरूक करने का काम करेंगे कि मशरूम में कम मेहनत में ज़्यादा पैसा।